हाँ मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। नमस्ते मैम, मेरे पास 10,000 शेयर है मैम, मेरे तेल का 49 के रेट पे एवरेजिंग किया हुआ है मैंने, और वेल का शेयर है मेरे पास 2,035 में एवरेज किया हुआ है। तो मैं जानना चाहता, मेरा मैम सेल का टारगेट था मेरा 200 रुपये का, तो क्या मैं 200 रुपये के लिए इंतजार कर सकता हूँ क्या मैम? वैसे मेरा व्यू तो लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, पहली बात तो आपने अच्छे लेवल्स पर, आपकी ओवरऑल एवरेज बाइंग है, तो ऑलरेडी आप काफ़ी स्ट्रांग प्रॉफिट्स पे तो बैठे हैं। मतलब 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट 120 रुपये पर है, तो दोगुने से ज़्यादा तो ये ऑलमोस्ट बढ़ चुका है स्टॉक। मानस, क्या करना चाहिए? दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट काफ़ी अच्छे प्राइस पर इनके पास है, 35 के आसपास की बाइंग इन्होंने भेलने बताई, और सेल इनके 49 रुपये की खरीदारी है। 200 के टारगेट के लिए रुके सेल में, या क्या सजेशन होगा? देखिए, मैं भी बहुत बुलिश हूँ सेल पे, और मेरा भी समझना ये है कि शायद आने वाले समय में हम 160 से लेकर 180 तक के भाव देखेंगे सेल में। रिसेंटली हमने करेक्शन देखा, लेकिन मेरा समझना है, कि जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, जो कि 100 रुपए के आसपास है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। इसलिए 100 रुपए के स्टॉप लॉस से सेल में बने रहिए, टारगेट करीब करीब 160 के सेट करिए। BHEL की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक स्टिक स्टॉप लॉस 50 रुपए के नीचे रखिए। अगर वो लेवल ब्रेच हो जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। जहां तक बात ऊपर की है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 60 रुपए 62 रुपए के आसपास, वो लेवल ब्रीच हो जाएंगे, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपको एक मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 80 से 85 रुपए तक के स्तर मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें 50 रुपए के नीचे। तो स्टॉप लॉस लगाइए दोनों स्टॉक्स में, 50 रुपए के आसपास का भेल में रखिए इन स्टॉक्स को, आप होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है।